खूबसूरत गांव यही आ चुके हैं हम। ये चिंगपाल के चिंगपाल यही है चिंगपाल गांव। बस बस्तर का खूबसूरत गांव चिंगपाल देख रहे हैं आपने। दुकान भी है यहाँ पे और रोड को देखिए गांव का चौक है चिंगपाल का। देखिए चारों तरफ हम बस्तर के खूबसूरत गांव चिंगपाल में हैं और आपको वहां का लोकेशन दिखा रहे हैं और गांव आपको अच्छा लगेगा। यहां पे बहुत अच्छा गांव है, यहां पे रोड भी सुविधा है, पानी की सुविधा है, बिजली का भी सुविधा है और आज हम दिखा रहे हैं आपको बस्तर का खूबसूरत गाँव चिंगपाल। तो चलिए वीडियो को देखिए आप। ये चिंगपाल में चारों तरफ से रोड है, ये NH से जुड़ा हुआ है, वो गांव से जुड़ा हुआ है और यहाँ सुविधा देखिए सर ऊर्जा का बिजली लगा हुआ है यहाँ पे। और ये जो भवन बनाए हैं और जो दिख रहे सामने में बाजार हाट है, वहाँ बाजार हाट बैठते हैं यहाँ पे। और गांव में भी ये जो कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं दुकान के लिए देखिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये जगदलपुर से 25 किलोमीटर के अंदर में है, एक गोला वाले हैं देखिए गोला बेच रहे हैं ये चिंगपाल गांव में। और बहुत अच्छा खूबसूरत गांव है, बच्चे लोग भी आ रहे हैं गोला खाने के लिए बर्फ की। चिंगपाल गांव का स्मार्ट बॉय बहुत अच्छा लगता है ना। और पढ़ाई चल रहा है अभी बंद हो गया स्कूल लग रहा है ना। पत्थर का घर देखिए, ये पत्थर का घर है आगे वाला, इधर वाले इधर का देखिए चिंगपाल गांव पूरा खूबसूरत गांव है। और इनका जो देखिए बाउंड्री किया हुआ है पत्थर से, बस्तर का ग्रामीण है। और NH देखिए यहाँ पे जो बनाया है पहाड़ों में डिपकी में खेती बाड़ी करते हैं। पूरा छीन है ये और छीन ही खूबसूरत बढ़ाता है गांव को। ये रोड के किनारे में लगे हुए है छीन का पेड़, ये छीन रस का निकाल रहे हैं छीन रस। गांव का स्रोत है पैसा का स्रोत कमाने का छिंदरस, छिंदरस यहीं से निकालते हैं। देखिए पेड़ में लटकाते हैं और मटका को, उसमें जो पानी निकलता है वो है और इसी से लोग बड़े गरीब लोग अपना जीवन चलाते हैं। दोस्तों गांव में पैसा कमाने का तरीका देखिए, ये जो छिंदरस है इसका रस को बेचते हैं, छिंदरस को 10 रुपये गिलास 20 रुपये गिलास और इसी से अपना परिवार चलाते हैं गरीब लोग बस्तर में। उसको बस्तर का बियर बोलते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये छिंदरस, इसी से लटका रखा है इसमें हंडी को और इसी के पानी को निकाल के सुबह मार्केट में बेचते हैं बस्तर के लोग और इसी से पैसा कमाते हैं और इसी से जीवन अपन करते हैं। हम इस वक्त जो गांव है आपको दिखा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत गांव है और जो छिंद का पेड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आज हम आए हुए हैं बस्तर के ग्रामीण में और वहाँ का लोकेशन दिखा रहे हैं बस्तर का खूबसूरत गाँव। Thank you.
चिंगपाल में देवी भंडारिणी की पूजा हो रहा है गांव के खुशहाली के लिए, और साल में एक बार होता है पूजा, तो गांव वाले मिलजुल के पूजा करते हैं। और चिंगपाल में आज उन्हीं की पूजा है, भंडारिणी देवी का, और यात्रा भी है इनका। तो देखिए देवी माँ की यहाँ पे सजाए हुए हैं देवी माँ को, और साथ में गांव वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। जय माँ भंडारिणी। एक गांव है चिंगपाल, है ना, चिंगपाल में है, चिंगपाल में गांव के लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो यात्रा हो रहा है वो देख रहे हैं। और चिंगपाल गांव एक बस्तर का खूबसूरत गांव है, साथ में हमारे गांव के लोग भी हैं यहाँ पे, गांव के मुखिया जी। हेलो दोस्तों, हम चिंगपाल एक खूबसूरत गांव में हैं, और जब गांव आए तो यहां पे पता चला कि गांव का पूजा हो रहा है। और हमारे पास गांव के दो चार बच्चे लोग हैं यहां पे, और ये लोग बताएं कि यहां इमली का खेती बहुत अच्छे से होता है, और मेला में भी बहुत अच्छे से हुआ इस बार, और ये लोग काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। देखिए चिंगपाल गाँव हमारा जो केसलूर से लगा हुआ गाँव है, और बस्तर का खूबसूरत गाँव है, ये पहाड़ियों के बीच में बना हुआ गाँव है, और यहाँ शांतिपूर्वक से रहते हैं सब, और इनसे मिलवाते हैं। भाई जी आपका नाम क्या है? अजय बघेल। अजय बघेल, इसका नाम है आपका? असमल्लाग। असमल्लाग, और आपका? विजय। विजय नाग, ये देखिए करण नाग। आपका? राजू केसी। राजू केसी, आप ये सब लोग यहाँ गांव में हैं, मिले हैं, और मेला हुआ था कल, वहाँ भी भाग लिए और अच्छा से इंजॉय किए हैं यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही एक साथ रहना है और कार्यक्रम में भाग लेना है और सहयोग करना है। भाई जी ने देखिए इतना गर्मी है कि ये कोल्ड ड्रिंक लेके घूम रहा है। आइए आइए इधर आइए, देखिए आप एक कोल्ड ड्रिंक धोखा में मत पीजिएगा कि कोल्ड ड्रिंक है कहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ और है यहाँ पे, क्योंकि ये बस्तर है, और बस्तर में आप विश्वास नहीं कर सकते कि कोल्ड ड्रिंक में क्या मिल जाता है। तो थोड़ा पीने से पहले टेस्ट कर लीजिए, फिर आगे पीजिएगा, क्योंकि ये बस्तर है और बस्तर के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, खास करके मुँह दारू के मामले में। और गांव में आए तो मेला भी चल रहा है यहाँ पे, गांव का जो पूजा है वो भी हो रहा है, भंडारिणी देवी की पूजा चल रहा है यहाँ पे चिंगपाल में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे गांव का लोकेशन और गांव में जो लोग आ रहे हैं वो, तो आपको कैसे लगा कमेंट कीजिएगा। मनाता है।